हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने दोनों मोबाइल को ब्लूटूथ से या हॉटस्पॉट यानी कि वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको अपने दोनों मोबाइल पे ही ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। दोनों मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, फिर दोनों मोबाइल के ही सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के बाद मेरा यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस है, आपका जहाँ पे भी ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे जाइए। मेरे फ़ोन नंबर 2 में कनेक्टेड डिवाइस है और फ़ोन नंबर 1 पे यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है। मैं दोनों यहाँ पर चला जाऊँगा और यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन नंबर 1 पे है रियली यूज डिवाइस और यहाँ पे है पेयर न्यू डिवाइस। तो मैं यहाँ मेरे फ़ोन नंबर 2 से ही करूँगा पेयर न्यू डिवाइस करके। ये पे अवेलेबल डिवाइस देखिए, ये मेरा ब्लूटूथ का जो मोबाइल है वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि उसका ब्लूटूथ जो है वो ऑन है। तो यहाँ पर मैं इसे पेयर कर दूँगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है पेयर विद लेनोवो किटन प्लस। यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोड, दोनों सेम है। तो हम इसे पेयर कर देते हैं। तो हमने अब पेयर कर लिया है। तो ये दोनों अब देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। ये यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम ब्लूटूथ में इसे कैसे शेयर कर सकते हैं? तो ब्लूटूथ जो ये दोनों डिवाइस जो है वो पेयर हो चुके हैं ब्लूटूथ पे। अब हम कैसे कोई फाइल या फोटो ब्लूटूथ पर शेयर कर सकते हैं वही मैं बताऊंगा। तो मैं इस डिवाइस से उस डिवाइस पर शेयर करूँगा। आप ऐसे ही कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस पर। तो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, ऐसे ही आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करने होगी। तो सपोज़ ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं, इस मोबाइल से नहीं शेयर करूँगा मैं। यहाँ पर मेरा स्पेस लो है तो तभी मैं फाइल मैनेजर पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट भी आता हूँ। ऐसे आप फोटोज भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये पहला जो है यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन है, वहाँ पे सेंड पर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लूटूथ पे मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए डिवाइस ने मारा, तो यहाँ पे मेरा डिवाइस है लेनोवो K10 प्लस। यहाँ से आपका ब्लूटूथ जो है ऑन होना चाहिए तभी ये नाम आएगा। और आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए शेयर हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। और ये देखिए ये आ चुका है। तो यहाँ से आप ऐसे इसे ले सकते हैं। अब मैं बताऊँगा कैसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ, मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट करूँगा। तो कोई भी आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं वाईफाई से और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे मेरे डिवाइस नंबर 1 पे वाईफाई ऑन कर लेता हूँ और डिवाइस नंबर 2 में सेटिंग्स पे आकर यहाँ पर मैं कनेक्टेड डिवाइस पे चला जाऊँगा। डिवाइस में नेटवर्क एंड इंटरनेट पर चला जाऊँगा। यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड थ्रेडिंग पे जाऊँगा। फिर यहाँ पे मैं वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसे ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा। सेटिंग्स पे जाके
यहाँ पे वाईफाई पे आऊँगा। ये मेरा ऑलरेडी नेटवर्क एडेड है तो ये आ रहा है इसलिए, लेकिन हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ। आप लोग क्या करना है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक हॉटस्पॉट पासवर्ड देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हॉटस्पॉट पासवर्ड है, इस हॉटस्पॉट पासवर्ड को आपको अपने दूसरे डिवाइस पे देना पड़ेगा और ये जो है वो कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो सही करना है, ये बहुत ही छोटा काम है और यहाँ से आप अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर पसंद हुआ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।